जापान को एक बहुत ही खूबसूरत और डेवलप्ड देश माना जाता है। यहाँ की राजधानी टोक्यो है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। लेकिन इन सब बातों से परे एक बात ऐसी है जिसे जापान कभी नहीं छुपा सकता। आज हम आपको जापान की एक ऐसी बात के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जापान में किसी भी मुस्लिम को स्थायी रूप से रहने की इजाजत नहीं है। जापान में आज जितने भी मुस्लिम हैं, वह अन्य देशों से आए हुए हैं, जिसमें से अधिकांश लोग तुर्की से आए हुए हैं, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है। जापान दुनिया का एक ऐसा देश माना जाता है जहां मुस्लिमों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आपको बता दें कि जापान में कुछ साल पहले तकरीबन 10 लाख मुसलमान रहते थे, पर आज के समय में यहां सिर्फ 2 लाख ही मुसलमान बचे हैं। यहां तक कि जापान में जितनी भी मस्जिदें हैं, उनमें से अधिकांश मस्जिदों में नमाज जापानी भाषा में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। इस देश में जितने भी मुस्लिम हैं, वह अपनी आम बोलचाल में भी जापानी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जापान ने जब से बौद्ध धर्म को अपनाया है, तभी से जापानियों ने इस्लाम और अन्य धर्मों के प्रति कोई रुचि नहीं रह गई है।